हमेशा हम हिंदुओं के ऊपर फिल्में बनाते हैं, कभी राम तेरी गंगा मेली, कभी ये फलाना ढिकाना। अरे जब अपनी फटने लगी तो अब ऐसी ऐसी बातें आने लगी है। ये फिल्म हिट नहीं, सुपर हिट होगी। और ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं तो जेल में जाएंगे। एक जगह एक हत्या होती है एक किसी मुसलमान की, तो वहां पर कहते हो अखलाक मारा गया, अखलाक मारा गया। अरे जब हिंदू मारा जाता है तब इनकी आवाजें क्यों बंद हो जाती है? जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने की आज का जनरेशन हिम्मत ताकत रखता है। कोई उंगली उठाएगा वो उंगली मोड़ के उसके पीछे डाल दी जाएगी, ऐसी हिम्मत है हमारे अंदर। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। महादेव की सौगंध, जिस दिन माइंड सरक गया ना, उस दिन इनके लिए जगह नहीं बचेगी रहने की। राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ कश्मीर की तरह सेना का सिस्टम लगा के लंबे समय के लिए उसको बिल्कुल सैनिटाइज किया जाना चाहिए बांग्लादेशियों से, ये एकमात्र विकल्प है। कश्मीर फाइल्स बना लो, बंगाल फाइल्स बना लो, केरल फाइल्स बना लो, झारखंड फाइल्स बना लो, बनाते रहो, कितनी फाइल्स बना लो और किसके लिए बना रहे हो? जब आज उनकी लड़ाई हम लड़ ही नहीं पा रहे खड़े होके, तो फिल्म बना के क्या मिलना है? आज की डेट में धमकियां देने का सीज़न चल रहा है। कभी तो पिक्चर डायरेक्टर को दे रहे हैं, कभी जज को दे रहे हैं, जो हज के लिए, जिन्होंने हिजाब के लिए वो किया, अब हम जो समर्थन, जो उनके समर्थक हैं उनको, समर्थन वालों को भी ये धमकी दे रहे हैं। तो मैं भारत बत्रा इनकी धमकियों से डरने वाला तो बिल्कुल हुई नहीं हूँ। और ये पूरा जो हमारा बजरंग दल का, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये सब पहले से ही आप सोच लो अपने पिंड दान कर चुके हैं और अपने बलिदान देने के लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता 24 घंटे खड़ा है। और ये छोटे मोटे टटपूंजियों से तो हम डरते ही नहीं है। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। हम इस समय मौजूद है द्वारका सेक्टर 10 में, बजरंग दल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक भरत बत्रा जी को धमकी दी जा रही थी कई दिनों से, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल की है और दिल्ली पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्या बजरंग दल की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी तो क्या कभी कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहले भरत बत्रा जी, हमारा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी का राष्ट्रवादी चैनल हमेशा तत्पर रहता है और आप आए। एक बार ये बताइएगा कि क्या मामला था, कब ये धमकी आपको दी गई थी? 20 फरवरी को जिस दिन हमारे बजरंगी हर्षा की हत्या हुई थी, उसी दिन रात से ही अपने को धमकी आ रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने निरंतर, इनकी गतिविधि बढ़ रही थी तो दिल्ली पुलिस के पास निरंतर कंप्लेन जारी थी। दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली पुलिस ने बहुत समय से और बहुत ही सतर्कता दिखाते हुए फौरन एक्शन लिया और मुंबई से एक पकड़ के लाए हैं जिहादी को। क्या नाम उसका? नाम तो अब दिल्ली पुलिस को ही पता होगा, लेकिन यह है कि उस जिहादी की मानसिकता बता रही है कि वो काफ़ी सारी गतिविधियों में विलिप्त है पहले से ही। और जो ये बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, आपको तो पता ही है आज की डेट में धमकियां देने का सीज़न चल रहा है। कभी तो पिक्चर डायरेक्टर को दे रहे हैं, कभी जज को दे रहे हैं, जो हज के लिए, जिन्होंने हिजाब के लिए वो किया, अब हम जो समर्थन, जो उनके समर्थक हैं उनको, समर्थन वालों को भी ये धमकी दे रहे हैं। तो मैं भारत बत्रा इनकी धमकियों से डरने वाला तो बिल्कुल हुई नहीं हूँ। और ये पूरा जो हमारा बजरंग दल का, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये सब पहले से ही आप सोच लो अपने पिंड दान कर चुके हैं और अपने बलिदान देने के लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता 24 घंटे खड़ा है। और ये छोटे मोटे टटपूंजियों से तो हम डरते ही नहीं हैं। और रही बात पुलिस की, अपनी कार्रवाई थी वो उन्होंने करी और हम हमेशा निरंतर शेरों की तरह ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही रेल बनाएंगे। बताना कि क्या वो जिसने धमकी दी थी किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ? देखिए, ये तो जाँच का विषय है। हमें अभी दिल्ली पुलिस ने बहुत आश्वासन दिया है, वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो आगे क्या इस चीज़ के अंदर निकालते हैं कि कहाँ उसके ताल जुड़ रहे हैं, कैसा है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बात को हम बोल ही नहीं सकते और आप जान से मारने की धमकी या फतवा लागू कर दोगे या कोई ऐसी चीज़ कर दोगे, इससे आप उनकी मानसिकता क्लियर होती है कि वो कितने बौखला गए हैं। क्योंकि ये पूरा राष्ट्र एकजुट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उस राष्ट्र एकजुट में समझदार मुस्लिम भी, ईसाई भी, सब धर्म के हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो आपत्तिजनक लोग हैं, जो ऐसे आतंकवादी माइंडेड लोग हैं, जो तालिबानी समर्थक लोग हैं, इस तरह के लोगों के दिमाग में ये फतूर है कि हम, जो पूरा हिंदुस्तान है वो इनकी धमकियों से डर जाएगा। एक कुछ दिनों पहले आपकी पूरी टीम ने द कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया था और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को आपका सपोर्ट भी मिला आगे जा चल करके, अलावा तमाम जो लोग हैं वो आपको समर्थन कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो क्या द कश्मीर फाइल्स का समर्थन करने से ऐसी धमकियों से कोई हटेगा पीछे? नहीं, ये तो फिल्में अभी और भी बनेंगी,
ये तो 1% दिखाया था कश्मीर फाइल में, तो इसके अंदर बहुत कुछ हुआ था। लेकिन अगर 1% में पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है तो ऐसे जो डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं उनको हम हिंदू समाज की तरफ से साधुवाद करते हैं कि उन्होंने आगे आने वाली जनरेशन की आंखें खोली और अपना इतिहास बताया। अभी बंगाल में आपने देखा होगा कि कल ही एक हिंसा की बड़ी खबर सामने आई है और तमाम जो लोग हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जो लोग तमाम जो है ये उत्तर प्रदेश में जाते थे, अन्य राज्यों में जाते थे, लेकिन बंगाल के अंदर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आवाज़ सब जगह उठ रही है, हिंदू एकजुट हो रहे हैं और हिंदुस्तान एकजुट हो रहा है और देशभक्त एकजुट हो रहे हैं। जब देशभक्त एकजुट होते हैं तो बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के इमरान खान भी अभी आपकी इंडिया की पॉलिसीज़ की तारीफ कर रहे हैं, तो ये सब हमारी एकजुटता का नतीजा है और हम निरंतर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे कैसी भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे इंटरनल चाहे इंटरनेशनल। भैया एक बार नाम बताएंगे? दयानंद बजरंग दल, जिला संयोजक उत्तम जिला। बताइएगा, क्या राष्ट्रवाद की आवाज़ उठाना, क्या देशभक्ति के लिए आवाज़ उठाने पर धमकी देने से बजरंग दल पीछे हटेगा? जो ये सोचते हैं कि बजरंग दल पीछे हटेगा वो अपनी सोच को यहीं ख़त्म कर दे। बजरंग दल ना तो कभी दबा है ना कभी दबेगा, क्योंकि देश का बल बजरंग दल है। नाम बताएंगे? सुमेर सिंह, विशुनपुर जिला अध्यक्ष, नांगलोई। बताइए, क्या बजरंग दल इस तरीके की धमकियों से क्या पीछे हटने वाला है? भाई देखो, अब देश करवट ले रहा है, हिंदू जाग रहा है, जो कि इनको बिल्कुल ही गड्ढे में डाल दिया था। आज देखिए, कोई भी आवाज़ उठती है तो सारा हिंदू एकजुट हो जाता है। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि जो बंगाल में जो कहानी हुई, जो चोर हैं वो तो इकट्ठे हैं, उनको पता है कि नंबर उनका भी लगना है। जो चोर हैं, इस देश को लूटा है, उनको पता है नंबर इनका भी लगना है। और जो 47 से ही एक जिहाद चला था, अगर कश्मीर को अलग उसको दे दिया, जिन्ना को दे दिया, पाकिस्तान जिन्ना को दे दिया, शेख अब्दुल्ला को दे दिया और यहाँ नेहरू जी आ गए, तो इनकी वहीं से प्लानिंग शुरू हो गई थी कश्मीर को काटने की। और नहीं ये चाहते थे, यही ऐसी नौबत नहीं आती। जो फारूक अब्दुल्ला भी रिज़ाइन दे के 1990 में भागा, वो उसकी सब सोची समझी चाल थी। उसने जो रचना रचनी थी, जो हिंदू कम्युनिटी को, भाई सरदारों को, डोगरों को या जो भी कश्मीरी पंडित थे उनको जो वहाँ से हटाना था, वो उनकी योजना थी। एक मतलब योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने ये काम किया था, इसलिए आज हिंदुस्तान जाग रहा है और वो एकजुट होता जा रहा है। बात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस वालों ने रचा था सारी साजिश, हमारा तो कहीं आती नहीं। ऐसा होता है, वो कहते हैं ना, खिंचानी बिल्ली कंबा नोचे, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। आइए तो एक देखो, एक जो था, एक ही तो परिवार की कहानी दिखाई है। अभी किसी में हिम्मत थी क्या इस फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के इस तरह की कोई कहानी, या देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति? जो बच्चा उस दिन पैदा हुआ होगा 30 साल के बाद, उसको क्या पता है वहाँ क्या हुआ था। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में सभी युवाओं ने देखा है, अगर हमारे पूर्वजों के साथ आज़ाद हिंदुस्तान होते हुए इस तरह की घटना घटी है, तो सोचने का विषय है। आज ये विचार आने के बाद जगह जगह कैसे फूट हो रही है। जमुना पार के देखे होंगे आपने, मुजफ्फरनगर कांड देखा होगा, उसके बंगाल में आप देख लीजिए। हम कहते हैं बीजेपी वहाँ भी आएगी, ये विचार वहाँ भी आएगा। 3 सीट से इतनी सीटें आगे बढ़ना, 18 सांसद होना, वहाँ पे भी उसको भी पता लग जाएगा, ममता दीदी को भी, अब कैसे हिंदू जाग रहा है। क्या कश्मीर के अंदर जो हुआ उसके अंदर भाजपा और आरएसएस का किसी तरह का हाथ है? आप ये बता दीजिए, सारी चीज़ एक ही दिन में रची जा सकती है? इतना बड़ा कांड हुआ जिसके अंदर कितने लोगों का पलायन हुआ, एक आध आदमी का पलायन होता तो शायद मान लेते, हजारों की संख्या के अंदर कश्मीरी पंडितों को मार देना और उन और मस्जिदों के अंदर अलाउंसमेंट करना कि औरतों को यहीं छोड़ जाओ हमारे पास, ये कितना अधर्मी काम किया है इन लोगों ने। ये फाइलें खुल रही हैं, ये पहली फाइल खुली है, इस तरह की कई फाइलें खुलनी है और इनका काला चिट्टा इनके सामने आएगा। हमेशा हम हिंदुओं के ऊपर फिल्में बनाते हैं, कभी राम तेरी गंगा मेली, कभी ये फलाना ढिकाना, अरे जब अपनी फटने लगी तो अब ऐसी ऐसी बातें आने लगी है। ये फिल्म हिट नहीं, सुपर हिट होगी और ऐसी कई फिल्में सुपर हिट होगी। और ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे नहीं तो जेल में जाएंगे। कश्मीर फाइल्स ने एक बड़ा जन जागरण का अभियान का रूप में काम कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिंदू जागने के लिए या जगाने के लिए हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लगातार इन कामों को और प्रयासों को करता आ रहा है। अब वो समय चला गया जो ये जो मर्जी रचा करा करते थे, नेहरू जी ने जो रचा वो रच दिया। अब वो समय नहीं है कि काला पाठ पढ़ा दिया और काले पढ़ लिया। अब बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, समझदार हो गए, सबको पता है उनका हित कहाँ पर है, इसीलिए वो सब जुड़ना चाहते हैं और वो अच्छे लोगों को आगे आने के लिए कुछ तत्व हैं, कुछ गंदे जो इन बातों को, जैसे अपना अवार्ड वापसी गैंग, फलाना गैंग वापसी, वो चुप्पी क्यों सान जाता है?
हिंदू पर अत्याचार होती है, एक जगह एक हत्या होती है एक किसी मुसलमान की, तो वहां पर कहते हो अखलाक मारा गया, अखलाक मारा गया। अरे जब हिंदू मारा जाता है तब इनकी आवाजें क्यों बंद हो जाती है, क्यों इनका विधवा विलाप हो जाता है? अभी आपने कुछ दिन पहले भी राजस्थान में भी देखा होगा, अशोक गहलोत, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कांग्रेस की, क्योंकि खत्म हो रही है। सच कहा है मोदी जी ने कि ये कांग्रेस मुक्त भारत होगा। आपने देखा होगा कौन सा मंदिर का क्या तोड़ रहे हैं। अरे बेशर्मों, कभी तुमने मस्जिदें तोड़ी है? फिर ये काम अच्छे काम कर रहे हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। अब सारे काम हो रहे हैं, भगवान की दुआ से राम मंदिर बन रहा है। अरे अभी थोड़े दिनों बाद देखना, मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जी का भी बाजा बजेगा और मुरली बजेगी। समर्थन करके फिर वापसी लाए हैं, तो अब आगे उन्होंने कहा था कि मथुरा में भी सजाएंगे। राम को लाएगा तो उसे भगवान, जो राम को लाएगा उसे हम क्यों नहीं लाएंगे? सर, आरएसएस या बजरंग दल को धमकाने से क्या कुछ दबाव बनेगा या फिर और मजबूती से संगठन आगे बढ़ेगा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साइंस का नियम है, जितना दबाव बनेगा उतना ही खुल के लोग आएंगे, और लोग जागरूक हो चुके हैं, देश जागरूक हो चुका है, उन्हें अपने हितों का पता है। हमारे नौजवान साथी जोश शोर से आगे बढ़ रहे हैं और ये देश ऐसे ही राष्ट्रवाद की भावना डेवलप हो रही है सब में। क्या बजरंग दल के को धमकाने से बजरंग दल पर कुछ असर पड़ेगा या बजरंग दल और मजबूती से आगे इसी तरह से अपनी लड़ाई लड़ता रहे? पहली बात तो मैं दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी जल्दी और एक्शन लिया, धमकिया, और भाइयों को भी आई थी, सबको, मुझे भी आई थी, लेकिन उस समय हाथ उठा दिए थे। लेकिन हम सब इसलिए दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रांत संयोजक जी के जो धमकी दी उस पर एक्शन करा। और दूसरी बात, हम बजरंगी है जो, वो बजरंग बली जी को अपना आदर्श मानते हैं। वो बजरंग बली जी जो अकेले लंका में घुस के और पूरी लंका को फूंक के आ गए थे, हम वो बजरंगी है। धमकी देंगे तो वो, एक आपने हरियाणवी में एक कहावत है हमारी कि उखड़ में सिर दे दिया तो मुसल तक ये डरना। तो भाई जब अपने राष्ट्र धर्म के सेवा सुरक्षा के लिए निकल गए तो फिर उसके बाद चाहे विजय मिले या वीरगति, लेकिन लड़ेंगे जरूर, रुकेंगे नहीं। द कश्मीर फाइल जैसी मूवी सामने आने से क्या राष्ट्रवाद की नई भावना जो हिंदुओं को हम इतने साल से जगाने लग रहे हैं ना, जाग रहा था धीरे 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 धीरे, लेकिन आज के समय में ये जो डिजिटल जो हमें मूवीज ये बॉलीवुड ये मिला है, प्लेटफॉर्म है ये जो हमारा, इसके ऊपर अगर ऐसे मूवी आ रही है जो सच्चाई है, उसमें से 7-8 सीन तो काट दिए हैं, तो वो अगर आई है तो उससे और ज़्यादा तीव्रता मिलेगी हिंदुओं को जगाने में, और हिंदू जागेगा और एक होगा, क्योंकि पूरे अखंड भारत में से एक भारत बचा था हमारे पास देश, और उस भारत में से 29 राज्य में से 9 राज्य कट चुके हैं, 20 राज्य बचे हैं। अब 20 भी नहीं संभाले गए तो हिंदू कहाँ से भागता आएगा, फिर उसके बाद हिंद महासागर बचेगा, हिंद महासागर में कूदना पड़ेगा, उसके अलावा कोई जगह नहीं है हमारे पास। जब तक लड़ोगे नहीं, खड़े नहीं होगे, तब तक आप भागते रहोगे, और भागने वाले को कहीं जगह नहीं मिलती। एक बार नाम बताएंगे अपना? अरुण शर्मा, मोहन गार्डन प्रखंड संयोजक बजरंग दल। जो जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स बनी थी, क्या बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी चल रही है? कश्मीर फाइल्स बनी, ये एक सिनेमा है, बंगाल में लाइव हो रहा है। आज हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तकरीबन हर एक चैनल के 5-5 संवाददाता जाके यूक्रेन में पड़े हैं, बंगाल जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। एकदम मैं साफ कह रहा हूँ, सुथरा कह रहा हूँ, बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके की वहाँ हिंसा हुई, मेरे मामा और बहुत सारे परिवार वहाँ हैं जो रहते हैं, जिस तरीके की और जिस स्तर की हिंसा हुई वो कश्मीर से ज़्यादा भयानक है, वो कश्मीर से ज़्यादा भयानक, और कोई नहीं जाना चाह रहा। मेरा मन व्यथित है, दुखी है, मैं अपना दिन रात अपने समाज के लोगों को हिंदू बचाने में दे रहा हूँ, बदले में नीचे के कार्यकर्ता को लोग सुन नहीं रहे हैं, ऊपर के जो अधिकारी भाई उनसे साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि आप बंगाली हिंदुओं की आवाज़ सुन लो, नहीं सुनोगे तो जब बंगाल फाइल्स बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देती घूमेंगी। राष्ट्रपति शासन की जरूरत है बंगाल, राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां कश्मीर की तरह सेना का सिस्टम लगा के लंबे समय के लिए उसको बिल्कुल सैनिटाइज किया जाना चाहिए बांग्लादेशियों से, ये एकमात्र विकल्प है। नहीं तो कश्मीर बंगाल, कश्मीर फाइल्स बना लो, बंगाल फाइल्स बना लो, केरल फाइल्स बना लो, झारखंड फाइल्स बना लो, बनाते रहो, कितनी फाइल्स बना लो और किसके लिए बना रहे हो? जब आज उनकी लड़ाई हम लड़ ही नहीं पा रहे खड़े होके, तो फिल्म बना के क्या मिलना है?
और किसको जागरूक कर रहा? दूसरी एक और बात है, हिंदू नौजवानों से अपना सीधा सीधा अपील है भाई, सारी ताकत संख्या में है। वंस द डेमोग्राफी विल चेंज नो वन कैन सेव दैट। एक बार जहां इस्लामिक आबादी 35 से 40% है, उस जगह को कोई नहीं बचा सकता। उसके लिए तो फिर साक्षात महादेव को ही आना पड़ेगा। अभी भी समझ सके तो हिंदू समझ जाए, नहीं तो जो हो रहा है वो तो होता रहेगा। आपने बंगाल के वीडियो देखे होंगे, हाथ में गोदी में कैसे भुने हुए शकरकंदी की तरह उठा के लोगों को ला रहे हैं। अरे एकदम सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि कुछ नहीं हो रहा है। केंद्र के स्तर से वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना मन मेरा दुखी है, इतना दुखी है मन देखने के बाद हालात वहाँ के, कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस गाँव में 12 घर फूंक दिए गए, बाकी लोग वहाँ रहेंगे क्या? आप अपने से कल्पना करो, शाम को आपके दरवाजे पे 10 पत्थर आ जाना तो आप अगले दिन दहशत में रहो। जिस गांव में 12 घर फूंक दिए गए बिल्कुल लोग समेत, वहां कोई उस गांव में रहेगा क्या? इसकी जो आज के समय में हालत हो रखी है, क्या जिम्मेदार मानते हैं सरकार? भाई जिम्मेदार तो TMC है, जिसका नाम ही TMC, उसको गाली क्या दें? ठीक है भाई। एक दूसरा दुख ये होता है कि केंद्र जो सरकार है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए बड़े भाई। वहाँ पे असल में मुद्दा क्या हुआ था कि कोई मुस्लिम नेता उस एरिया के अंदर मृत पाया गया था, तो उसी के बदला लेने के लिए 12-15 घरों को ताला लगा के बाहर से आग लगा दी गई। 12-13 महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जिंदा जल गए। ठीक है, तो ये तो सोचो कि एक के बदले 20 मार रहे हैं। अरे हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू एक के बदले क्या करता है? मोमबत्ती उठा लेता है, कैंडल लाइट, वो मामला है सारा। ठीक है, कोई बदले की भावना नहीं है हिंदू के अंदर। शासन अगर लगाएंगे तो तमाम लोग विरोध में नहीं उतर जाएंगे सड़कों पर? भाई विरोध में तो हिंदू को भी आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा, जिहादी तो आएंगे रास्ते शासन लगेगा तो। ठीक है, हाँ हिंदू को आना चाहिए इस चीज के विरोध में कि राष्ट्रपति शासन लगा वहाँ पर। बंगाल के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन? 1989 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने की आज का जनरेशन हिम्मत ताकत रखता है। कोई उंगली उठाएगा वो उंगली मोड़ के उसके पीछे डाल दी जाएगी, ऐसी हिम्मत है हमारे अंदर। हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। महादेव की सौगंध, जिस दिन माइंड सतर्क गया ना, उस दिन इनके लिए जगह नहीं बचेगी रहने की। ये सबसे बड़ी हचाई हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में जरूर। भारत सरकार से मैं अपील करता हूँ कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल यही चाहती हूँ। ममता बनर्जी हिंदुओं की जान की दुश्मन बनी पड़ी है, वो उसके ऊपर जो भूत सवार है ना हिंदुओं के खून को पीने के लिए, उसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके गृह मंत्री जी इस पर एक्शन लेते हुए और राष्ट्रपति शासन लगा के बंगाल को एक सुशासन प्रदेश बनाने की कृपा करें। राष्ट्रपति शासन की मांग जायज? बिल्कुल जाए जी, जहाँ हिंदुओं का खून बह रहा है अगर वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर फायदा क्या? माननीय मोदी जी से अपील है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा करी जाए। जय श्री राम। एक बार नाम बताइए। अशोक सिंह। अशोक जी, क्या बंगाल के अंदर जो हो रहा है उसके बाद सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल लेना चाहिए। और जैसे कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा के जो वहाँ का माहौल अभी इस टाइम देखा जाए तो बहुत अच्छा है, वही चाहती है ये ममता दीदी। और पश्चिम बंगाल में वही होना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के NRC लागू करना चाहिए और ऐसे जो मानसिकता और विचारधारा के जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की होनी चाहिए। घटना हुई आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों को जलाया गया। ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पे खांसी भी किसी को हो जाती है तो कोर्ट चले जाते हो तुम इतनी छोटी सी घटना के लिए। अरे आप उस ममता दीदी की बात करते हो कि इसके पहले अभी आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में क्या किया था उन्होंने। अरे उनकी सोच गलत है। मैं पश्चिम बंगाल में 2 साल रहा हूँ, मुझे पता है कि उनकी मानसिकता क्या है वहाँ पे। इस समय जो हिंदुओं की इस हालात है आप सोच नहीं सकते क्या हालात है। वो डर डर के माहौल में जी रहे हैं, वो अपने देश में हिंदू जो है वहाँ पे हिंदू नाम पे धब्बा से बैठ रहे हैं वहाँ पे और बैठ मतलब वहाँ पे जी रहे हैं। वहाँ पे जो मुसलमान है ना, मुसलमान है वो समझते हैं हमारा जो है जागीर है, हमारे अल्लाह का दिया हुआ जागीर है। लेकिन ये उनकी सोच गलत है। वो समय चला गया, जिस समय के इंतजार में वो समय चला गया है। अब जनता एक ही मांग कर रही है राष्ट्रपति शासन जरूरी है। बिल्कुल, मैं मोदी जी से आग्रह यही करूँगा कि वहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और NRC लागू किया जाए। NRC लागू होने के बाद जो घुस रहे हैं ना बांग्लादेश से लेके आ रहे हैं और ये कहीं कहीं से लेके आ रहे हैं, इनको हटाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो तमाम जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी का यही कहना है कि करंट के हालात अगर देखे जाएं तो इस समय
जो बंगाल की स्थिति है वहाँ राष्ट्रपति शासन बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।